पाकिस्तान में बाढ़ से हालात बद से बदतर हुए। उधर तो इधर मोदी सरकार ने कर दिया बड़ा खेल। बड़ा खेल होते ही चाइना घुटने पर आया। चाइना ने अब पीछे जाने का फैसला कर लिया है। 2 साल बाद घोघरा हॉट स्प्रिंग से हटने को तैयार हो चुका है। इंडियन आर्मी भी पीछे हटने जा रही है। ये सब मुमकिन कैसे हो पाए वो सब कुछ बताएंगे, लेकिन एक लाइक देश की इंडियन आर्मी के लिए बनता ही है जिस तरीके से इन लोगों को झोंका कर रखा है। दोस्तों दरअसल आपको बता दें, ताज़ा खबर निकल के आई जहाँ भारत और चाइना के बीच पिछले 2 सालों से तनाव देखने को मिल रहा था। इस बीच पूर्वी लद्दाख वाले इलाकों में तो स्थिति ज़्यादा चिंताजनक हो गई थी। अब स्थिति में सुधार लाने के लिए दोनों भारतीय और चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख के घोघरा हॉट स्प्रिंग के क्षेत्र में पीछे हटना शुरू कर दिया। जारी बयान में कहा गया है कि 8 सितंबर को भारत और चीन के बीच में 16वें दौर की बातचीत हुई थी। फैसला लिया गया कि घोघरा हॉट स्प्रिंग के क्षेत्र में सेना पीछे हटेगी, इससे बॉर्डर पर शांति बनी रहेगी। अब यह फैसला भी तब लिया गया जब अगले हफ्ते SCO की अहम बैठक होने वाली है। उस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी जाएंगे और चीन के राष्ट्रपति भी मौजूद रहने वाले हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि भारत और चीन की वहाँ पर द्विपक्षीय बैठक भी हो सकती है। अब उस बैठक से पहले दोनों देशों के बीच में रिश्ते कुछ ठीक हो रहे हैं, ज़्यादा तनाव ना रहे इसकी वजह से दोनों ही सेनाओं ने पीछे हटने का फैसला किया है। इससे पहले कुछ और दूसरे इलाकों में भी ऐसी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं, लेकिन चीन ने हर बॉर्डर क्षेत्र में सड़क और एक दूसरे के निर्माण के जरिए समझौता उल्लंघन किया है। वैसे भारत को चीन की नीयत पर भरोसा नहीं है, इसी वजह से सेना ने नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इस रणनीति के तहत सैनिकों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है और जवानों का पुनर्संतुलन स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें, वैसे चाइना को करारा झटका लग रहा है लगातार, क्योंकि भारतीय सेनाएँ आक्रामक मोड में सीमा पर तैनात हैं। अरुणाचल से LAC तक जो है वो इंडियन आर्मी का बड़ा कदम है। M777 तोप भी तैनात कर दी गई है। भारत के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए चाइना को अब ये भांप लिया है चाइना ने कि भारत से भिड़ना ठीक नहीं होगा, भारत से टकराना ठीक नहीं होगा। यही कारण है कि चाइना धीरे धीरे पीछे हट रहा है। एक तरफ जहां पाकिस्तान में बाढ़ से हालात बद से बदतर हुए हैं, दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था ने ज़बरदस्त तरीके से उछाल मारी और पाकिस्तान भी पीछे हो गया। इन सारे मसले को देखते हुए कहीं ना कहीं एक तरीके से भारत को एक बड़ा फ़ायदा मिला और आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने होने वाले थे। इस वजह से भी ये बड़ा फैसला लिया गया और इन दोनों देशों को कहीं ना कहीं एक तरीके से ये फैसला किए कि हम दोनों जो है वो पीछे हटेंगे। तो दोनों देश फिलहाल के लिए अब उस इलाके से पीछे हट रहे हैं। एक सैन्य अधिकारी ने बताया है कि इस समय बॉर्डर एरिया में सड़क निर्माण ब्रिज बनाने पर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। इसके अलावा RLP क्षेत्र यानी अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में सैनिकों को तुरंत लामबंद करने के लिए भी ज़रूरी कदम सैन्य ढांचे का विकसित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बड़ी बात ये रही है कि जब से जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं, एक तरफ से थल सेना पूरी तरीके से उत्तरी सीमा पर तैनात होकर चीन का मुकाबला कर रही हैं, तो वहीं असम राइफल्स उग्रवाद विरोधी सभी अभियान में सक्रिय भूमिका जो है वो निभाया जा रहा है। आपको बता दें, अभी तक इन अभियानों में थल सेना ही ज़्यादा एक्टिव दिखाई देती थी। जानकारी ये भी मिली है कि ऊपरी दिबांग घाटी में सड़क निर्माण के साथ साथ हेलीपैड और दूसरे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के जो प्रयास हैं वो भी कहीं ना कहीं तेज कर दिए गए हैं, और यही कारण है कि अब जो ये सिचुएशन निकल के आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण देखने को नहीं मिल रही है। अब चाइना सरेंडर हो चुका है भारत के सामने पूरी तरीके से। चाइना इस कदर सरेंडर हो गया है कि भारत को कहीं ना कहीं एक तरीके से अब जो उकसाने वाली हरकत सीमा पर थी वो पूरी तरीके से पीछे हटने को तैयार है। यानी हम कह सकते हैं कि सीधा सीधा PM मोदी का एक बार, चाइना पीछे हटने को तैयार। भारतीय सेनाओं ने भी कहा कि अगर तुम एक कदम हटोगे तो हम भी एक कदम ही हटेंगे और ज़्यादा की अपेक्षा मत करना। अभी भी सेना पूरी तरीके से डटी हुई है। तो दोस्तों फिलहाल जिस तरीके से चाइना बैकफुट हो रहा है, आखिर इसके पीछे की बड़ी वजह क्या मानते हैं? एक तरफ जहां पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है, अरबों का नुकसान हो गया है इस भारी बारिश में, लगभग करोड़ों लोगों की जान फंस चुकी है, उन सब के बीच पाकिस्तान और चाइना का जो CPECC पैक था वो भी पूरी तरीके से तबाह होने की कगार पे हैं।
ऐसे में क्या चाइना इन सारे मसलों को लेकर ठंडा नहीं पड़ गया है? कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव